यह है बोट की नई बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच जो कि 1300 रुपये में लॉन्च हुए हैं, बोट वेव फ्यूरी। और जैसे अभी आपको पता है दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे स्मार्ट वॉच अभी जो लॉन्च हो रहे हैं उनमें आपको कॉलिंग वाली फीचर मिल जाता है, तो ये 1300 रुपये में भी आपको कॉलिंग वाली फीचर दे देते हैं। और इसमें आपको फंक्शनल डिजिटल क्राउन वाली फीचर मिलता है, जिस वजह से इसकी जो बटन को आप रोटेट करके इसकी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो और मेन्यू को भी यहाँ पे आप स्क्रोल कर सकते हो। तो बहुत सारे तो अच्छे अच्छे फीचर्स है, वो भी इतने कम प्राइस पॉइंट में, लेकिन इतने कम प्राइस पॉइंट में आपको इतने जो सारे फीचर देते हैं वो जेन्युइनली कितना अच्छा है या फिर ये स्मार्ट वॉच में कोई कमी देने को मिलता है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जरूर से ये वीडियो को आखिर तक देखना अगर ये बोट वेव फ्यूरी को आप बाय करने वाले हो या फिर खरीद चुके हो और ये जानना चाहते हो कि दोस्तों 1300 रुपये में ये स्मार्ट वॉच आपके लिए कैसे रहेंगे। तो दोस्तों जरूर से यह वीडियो को आखिर तक देखना और अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी ऐसे यूजफुल वीडियो आपको हमेशा टाइम पे मिलता रहे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू आवर चैनल डे बाय डे। तो यह है बॉक्स पैकेजिंग इसी नई बोट वेव फ्यूरी की, और दोस्तों इस साइड यहाँ पे मेंशन है कि आपको एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग वाली फीचर मिलेगा, फंक्शनल क्राउन वाली फीचर मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर यहाँ पे डिटेली मेंशन है। आप चाहोगे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, वैसे आगे आपको मैं डिटेल ये सारी चीज़ एक एक करके बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स कंटेंट में क्या क्या मिलने वाला है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक थैंक यू कार्ड मिलता है और एक साल की वारंटी मिलता है, उसको रजिस्टर करने के लिए QR कोड मिलेगा और ये स्मार्ट वॉच की आपको यूजर मैनुअल देने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बोट की एक कैटलॉग मिलेगा जिसपे आपको बोट की जो बाकी सारे प्रोडक्ट है उनका भी इन्फॉर्मेशन देने को मिल जाता है। एक आपको ये बोट हेड का स्टिकर मिलता है, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे स्टिकर मिलते हैं, अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हो। और स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए आपको इस पे इस तरह सा पोगो पिन टाइप की चार्जिंग केबल मिलेगा। ये स्मार्ट वॉच की बात करें तो दोस्तों इसकी जो फ्रेम है ये आपको प्लास्टिक का मिलता है, बजट प्राइस पॉइंट में है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी जो बटन की क्वालिटी है ये आपको काफी बढ़िया देने को मिल जाता है। और जैसे आपको बताता है दोस्तों यहाँ पे आपको फंक्शनल क्राउन वाली फीचर मिलता है जिससे इसकी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों इसी बटन को प्रेस करने पे इसकी जो मेन्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, और दोस्तों देख सकते हो फंक्शनल क्राउन वाला फीचर है ये जो मेन्यू को स्क्रोल करने पे भी काम में आता है। और इसकी जो स्ट्रैप है ये आपको रिमूवेबल टाइप का देखने को मिलेगा, 22 mm का स्ट्रैप है जो कि आप बाद में चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। और दोस्तों इसकी जो बकल है ये आपको मेटेलिक देने को मिलते हैं और स्ट्रैप की क्वालिटी भी आपको काफी बढ़िया देने को मिल जाएगा। पीछे आपको सेंसर और चार्जिंग पॉइंट्स देने को मिल जाते हैं। कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है तो दोस्तों इसी वजह से आपको एक साइड माइक्रोफोन और दूसरे साइड आपको स्पीकर देने को मिलेगा। दोस्तों ये स्मार्ट वॉच का जो मुझे सबसे बैड इंप्रेशन लगा इसकी डिस्प्ले, अभी ये जो आप देख रहे हो ना ये एक्चुअली ये स्मार्ट वॉच का हाईएस्ट ब्राइटनेस है, जिसे आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, अगर मैं इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल पे जाता हूँ दोस्तों ये अभी हाईएस्ट ब्राइटनेस पे है लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा लो है, डायरेक्ट सनलाइट में भाई आपको दिक्कत आएगा ही आएगा। तो ये पहला डिमेरिट इसी स्मार्ट वॉच की, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको ब्राइटनेस काफी ज्यादा कम देने को मिलता है। नो डाउट आपको कॉलिंग वाली फीचर तो मिल जाएगा लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी आपको उतना अच्छा देने को नहीं मिलता। बाकी ये वॉच की यू अगर हम बात करें, इस तरह से होल्ड करके रखोगे तो दोस्तों इसकी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, और जैसे आप लेफ्ट टू राइट को स्वाइप करते हो ऊपर आपको टाइमिंग डेट डे देने को मिलता है, और रिसेंटली कोई एप्लीकेशन यूज किया होगा वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे से ऊपर करने में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देने को मिलेगा, और ऊपर से नीचे करने पे आपको यहाँ पे सारी टैगर्स देने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बीच में आपको जो ये ऑप्शन मिलता है अगर इसको सिलेक्ट करते हो गाइज, यहाँ पे ये स्लीप मोड पे 5 मिनट के बाद जाएगा, मतलब तब तक के लिए इसकी जो स्क्रीन है ये बंद नहीं होंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसके स्क्रीन टाइमर को सेट करने के लिए इसी स्मार्ट वॉच पे ऑप्शन नहीं मिलता। और जैसे आप राइट टू लेफ्ट को स्वाइप करते हो यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, देन आपको एक्टिविटी ट्रैकर, SPO2, यहाँ पे सारे शॉर्टकट यूजर्स मिलता है। और वॉच की ये आपको ज्यादा लैग देने को नहीं मिलेगा, इसकी टच और स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस आपको काफी बढ़िया देने को मिल जाता है। ये स्मार्ट वॉच की रेस्ट टू वेव वाली फीचर काफी सही काम करता है। और दोस्तों यहाँ पे आप जैसे हाथ को नीचे कर देते हो इसकी डिस्प्ले बंद हो जाएगा, और हाथ को ऊपर करने पे ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो जाता है, जिससे दोस्तों यहाँ पे बैटरी लाइफ काफी बढ़िया मिल जाएगा। और दोस्तों इस पे आपको 30 डेज की स्टैंड बाय बैटरी लाइफ मिलता है, मतलब अगर इसको बिना यूज करके रखोगे तो गाइज यहाँ पे आपको 30 डेज की बैटरी लाइफ मिल सकता है। और कहीं ना कहीं
अब इसकी ब्राइटनेस लो होने की वजह से ये शायद पॉसिबल होगा, लेकिन कॉलिंग के साथ अगर इसको यूज करोगे तो दोस्तों आपको 3 से 4 दिन की बैटरी लाइफ मिल सकता है। इसमें आपको 50 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। और दोस्तों ये जो स्मार्ट वॉच है IP67 रेटेड है, जिसमें से हल्के फुल्के पानी के छींटे गिरने से ये स्मार्ट वॉच को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है तो दोस्तों जरूर से इसको ध्यान से यूज करना। ये स्मार्ट वॉच के हेल्थ फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इस पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और स्लीप मॉनिटरिंग जैसे फीचर मिलेगा। इसमें आपको स्टॉपवॉच जैसे फीचर देने मिलते हैं और गाइस यहां पे आपको वॉइस असिस्टेंट की भी सपोर्ट देने को मिल जाएगा। फाइंड माई फोन का ऑप्शन है और दोस्तों यहाँ पे आपको अलार्म को इसी स्मार्ट वॉच से ही एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। काफी बढ़िया फीचर है जो कि आपको इतने कम प्राइस पर में भी दिया गया है। देन आपको कैमरा कंट्रोल की ऑप्शन मिलता है जो कि आप इसकी एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो। गाइस यहाँ पे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलता है। गाइस यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल की बात करें तो गाना को प्ले पॉज करने के लिए, नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए ऑप्शन मिलता है। और गाइस यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल की फीचर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जैसे इसको सिलेक्ट करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको एनेबल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप कोई भी गाना अपने फोन पे प्ले करोगे इसी स्मार्ट वॉच के स्पीकर से आवाज आएगा। और अगर आपको स्मार्ट वॉच से गाना सुनना नहीं है तो दोस्तों आप वापस इसको स्विच कर सकते हो, जिससे अभी ये स्मार्ट वॉच में नहीं आपको अपने फोन से ही आवाज आने लगेगा। ये स्मार्ट वॉच पे आपको कोई भी रिंग अलर्ट सेटिंग देने को नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्ट वॉच पे कोई कॉल होने पे आपको कोई भी रिंगिंग सुनाई नहीं देगा, बस ये स्मार्ट वॉच वाइब्रेट करता है। दोस्तों अगर मानो यहाँ पे मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मेरे एंड से, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और ये साथ में वाइब्रेशन करता है। तो ये एक और कमी मुझे देखने को मिला कि कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी दोस्तों कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन अपने वॉच के ऊपर देने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आप इसको इस तरह से बंद तो कर सकते हो, लेकिन ये एक बग है जो कि आपको ये स्मार्ट वॉच पे देने को मिलता है। और इसी स्मार्ट वॉच के थ्रू आप अपने कॉल को साइलेंट भी नहीं कर सकते, बस यहाँ पर आपको कॉल को आंसर और रिजेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर कॉल को आंसर करते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको कॉल को म्यूट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको वॉच से फोन को स्विच करने के लिए, या फिर अगर आपको फोन से वॉच को स्विच करना होगा, ये ऑप्शन देने को मिल जाएगा। ऊपर आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है और नीचे यहाँ पे आपको एक राइट और एक माइनस का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना है तो गाइस यहाँ पे आपको ये जो क्रॉस वाला ऑप्शन मिलता है इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा और देन यहाँ पे आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और ये कॉल टेस्ट इसी बोट वे फ्यूरी से, और इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा इसकी कॉल क्वालिटी आपको कैसे मिलने वाला है। और ये है वो बोट वेरेबल एप्लीकेशन जिससे आपको ये स्मार्ट वॉच कनेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे ये वॉच कनेक्ट है या नहीं इसका इन्फॉर्मेशन देने को मिलेगा और आपके वॉच पे कितना चार्ज है ये भी आप देख सकते हो। तो नीचे यहाँ पे आपको सारी फिटनेस ओवरव्यू, कितने स्टेप्स आपने चले, कितने कैलोरी बर्न किए, कितने मिनट के लिए एक्टिविटी किए, SPO2 के रिजल्ट और गाइस यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग की डिटेल्स देने को मिलेगा। वापस अगेन आपको वही सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने को मिलेगा और यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग की डिटेल्स देने को मिल जाएगा। देन एनालिसिस में आपको वही सेम चीज देने को मिलेगा और नेक्स्ट टाइम आपको सारी एक्टिविटी की डिटेल्स मिलेगा। और वापस यहाँ पे माई वॉच पे देखोगे दोस्तों वॉच के रिलेटेड सारी सेटिंग देने को मिल जाएगा। कंपनी का कहना था कि दोस्तों यहाँ पे 30 डेज के आपको स्टैंड बाई मोड मिलेगा, लेकिन जैसे आप देख सकते हो 48% में यहाँ पे ये 6 दिन का बैकअप दिखा रहा है। तो इसके एक्चुअल में कितना बैटरी लाइफ रहेगा वो अभी के लिए तो कहना मुश्किल है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देने को मिल जाएंगे, क्लाउड बेस्ड आपको इतने सारे वॉच फेसेस देने को मिलता है। अगर आपको कस्टमाइज टाइप की वॉच फेसेस यूज करना होगा दोस्तों ये ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप चाहोगे तो अपना खुद का कोई फोटो को भी वॉच फेस जैसा बना सकते हो। देन आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वाली फीचर में कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज करके ये स्मार्ट वॉच पे देखने को ऑप्शन मिलेगा, जिस वजह से अपने स्मार्ट वॉच से आप डायरेक्टली किसी को कॉल कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम आपको अलार्म सेटिंग देने को मिलेगा। गाइस यहाँ पे आपको वो कैमरा कंट्रोल के लिए एप्लीकेशन देने को मिल जाएगा, जैसे उसको सिलेक्ट करोगे कुछ इस तरह से UI आएगा और आपके वॉच पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे, आपको सिंपली इस तरह से क्लिक करना है, उसके बाद आप फोटो वगैरह खींच पाओगे। देन अलर्ट्स पे आपको यहाँ पे सेडेंटरी अलर्ट देखने को मिलता है। देन यहाँ पे आपको वाइब्रेशन मोड पे वाइब्रेशन मोड को बंद करने के लिए ऑप्शन मिलता है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपको कितने टाइम वाइब्रेशन करना है ये भी आपको ऑप्शन देने को मिलता है। नेक्स्ट सेटिंग में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको वेक्स जेसर को ऑन ऑफ करने के लिए फीचर मिलता है। जो आवर्स की टाइम है उसको 24 आवर्स या फिर 12 आवर्स सेट करना होगा ये ऑप्शन देने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे आपको हार्ट रेट डिटेक्शन मिल जाएगा, आपको वेदर की यूनिट को चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है और नीचे आपको डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन मिलेगा। देन आपको वॉच को डिस्कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन और अबाउट देने को मिलेगा और आखिर में आपको अकाउंट की सारी डिटेल्स देने को मिल जाएगा। और इससे आपको एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारा एप्लीकेशन ऑन रहता है,
जिस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आप उसको कुछ इस तरह से बंद कर सकते हो। ये स्मार्ट वॉच के सेंसर आपको हार्ड सरफेस में कोई रीडिंग नहीं देंगे, डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज देने को मिल जाता है। और इतने कम प्राइस पॉइंट में दोस्तों इसकी जो सेंसर है ये आपको काफी हद तक एक्यूरेट देने को मिलेगा। जैसे मैंने इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग चेक किया था दोस्तों, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम था और एसपीडी के रिजल्ट भी मुझे सिमिलर देने को मिला। लेकिन एक चीज आप जरूर से ध्यान रखें दोस्तों, ये बस आपके रेफरेंस के लिए होता है। जरूर से हेल्थ के मामले में आप प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करना, कोई भी इस तरह से बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच पे आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी ये स्मार्ट वॉच 1300 रुपए के लिए तो काफी बढ़िया है, पर मुझे ये डिवाइस में बस एक ही शिकायत रहेगा कि दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है उतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। दूसरे स्मार्ट वॉच जो आपको 1500 रुपए में देने को मिलता है उसकी जो लो ब्राइटनेस है इस पे इसकी आपको हाईएस्ट ब्राइटनेस देने को मिलता है, तो ब्राइटनेस मुझे उतना खास देने को नहीं मिला। आप अगर इसको आउटर कंडीशन में यूज करोगे डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और कॉलिंग के टाइम में आपको जो बग देने को मिलता है वो भी आपको परेशान कर सकता है। नहीं तो इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्ट वॉच में वो कोई कमी देने को नहीं मिलता है। बिल्ट एंड फिनिश के मामले में भी ये स्मार्ट वॉच काफी बढ़िया देने को मिला। बाकी अगर इसको आपको खरीदना होगा इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी कोई जानकारी अगर ये स्मार्ट वॉच के बारे में आपको जानना होगा तो दोस्तों जरूर से उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज यार कमेंट कर देना जिससे ये वीडियो की रिटेंशन अच्छा हो जाए। अभी फिलहाल के लिए हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, अगर आप कमेंट करते हो तो उस वजह से दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत जन के पास पहुंचेगा और साथ में ये वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों जरूर से यार चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ताकि आज की वीडियो बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको और कोई नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।